एवरी वन वेलकम बैक टू माई न्यू मिनी व्लॉग तो गाइज आज का व्लॉग बहुत ही ज्यादा स्पेशल होने वाला है तो देखा तुबू मेरा बच्चा उठा हुआ था गुड मॉर्निंग तुबू पापा ने तुबू को पकड़ लिया पापा तुबू के साथ खेली खेली कर रहे थे बहुत मजा आ रहा था पायल मम्मा भी आ गई तो यहाँ पे मम्मा करने लग गई मेकअप और साथ ही साथ चीकू बच्चों के लिए लेकर आया था बहुत ही प्यारे गिफ्ट उनके लिए कपड़े शूज जैकेट क्योंकि आज है अयान और तूबा का सेवन मंथ बर्थडे तो आगे जाके आपको दिखाती हूँ क्या क्या लेके है जस्ट वेट गाइस तो आज मैं पहनने वाली थी कुर्ती और दामन और देखा कि बच्चे यहाँ पे इंजॉय कर रहे थे मैं तोता मैं तोता हरे रंग का मैं दिखता बच्चों को कार्टून देखना बहुत अच्छा लगता है तो अयानू भी कार्टून को फुल इंजॉय कर रहा था देखा तो जैदू भाई निनी निनी कर रहा था तो पायल ने यहाँ पे गेटअप कर लिया बहुत ही प्यारी लग रही थी पायल तो मैंने सोचा मैं भी मेकअप कर लेती हूँ तो मेरा जो फाउंडेशन है आपको पता है टूट गया था तो मैंने डब्बे में रखा हुआ था तो यहाँ पर गिफ्ट दिखा देती हूँ बहुत प्यारी शर्ट जींस और पायल ने ना अपने कंगन पहन लिए बहुत सुंदर लग रहा और साथ में ना कमर बन बीची के पापा बाल ड्राई कर रहे थे बाल सेट कर रहे थे पायल ने करा बहुत प्यारा डांस हरियाणवी सॉन्ग के ऊपर मुझे डांस करना नहीं आता तो मैंने करा था नैना चुंगी दी पे पायल टूट गई तो क्या और मैंने भी बहुत अच्छा डांस किया बहुत प्यारी लुक लग रही थी बहुत ही सुंदर कलरफुल कलर लग रहे थे येलो पिंक कलर का फिर मैंने जाने से पहले हेडक की दवाई खाई क्योंकि मेरे सर में दर्द हो रहा था बच्चों के लिए सोचा खिचड़ी बना देती हूँ तो बच्चों को मेरे हाथ की खिचड़ी बहुत पसंद है ये बिल्कुल सिंपल घी में बनती है घी दाल चावल तो हम लोग निकल गए थे जाने से पहले पायल को मैंने बोला थोड़ा सा परांठा खिला दे पायल ने मुझे अपना परांठा खिलाया मैंने पूरा खा लिया फिर हम लोग निकले नीचे और नीचे मौसम इतना अच्छा हो रहा था चीकू के पापा के साथ ने मजाक करी थी जाने से पहले पैर छूरी थी तो हंसे रहे थे वो कह रहे चले जाओ यहाँ से ऐसे ड्रामे मत करो तो मैं और पायल निकल गए और आज हम जाने वाले थे मॉल के अंदर तो पहुंचे वहाँ पे अभी पायल के सर में दर्द हो रहा था तो जैसे हम मॉल पहुंचे देखा थोड़ा ट्रैफिक क्योंकि आज संडे था गाड़ी पार्क करने की जगह नहीं मिली तो हम लोग पहुंचे सेक्टर उन्नीस की मार्केट में वहाँ पर हमने अपने you <laughs> फेस को कवर कर लिया क्योंकि सारे लोग ना हमें जानते थे पायल मुझे बता रही थी फेस को कैसे कवर करना है और हम लोग पहुंचे मार्केट के अंदर यहाँ पर ना बहुत भीड़ थी और ना सब लोग हमें पहचान रहे थे और यहाँ पे क्यूट सब्सक्राइबर्स मेरे उनके साथ फ़ोटो क्लिक करी फिर मैं और पायल ना बहुत ज़्यादा मस्ती कर रहे थे फन कर रहे थे और ना हम लोगों ने शॉल ली स्वेटर्स लिए और हमने यहाँ से दस शॉल इकट्ठे पैक करी पच्चीस सौ रुपये का बिल बना तो पायल को मैं बोल रही थी मैं गिन के बताती हूँ पैसे कितने होते हैं तो पायल के तुझे बड़ा पता है तो फिर मैंने सामान ले लिया अपने सर पर पायल कहती है ऐसे ही चल मैंने कहा चल ठीक है मैं ऐसे ही मार्केट में चलूंगी तो हम दोनों बहुत मस्ती मजाक करते हैं और बहुत अच्छा लगा वहां से हम लोग निकले और हमने सोचा एक काम करते हैं हम लोग मॉल चलते हैं तो फिर क्यूट सब्सक्राइबर्स मिले उनके साथ फ़ोटो क्लिक कराई तो मॉल जाने से पहले ना इतनी ना इतनी लंबी लाइन थी मैं बता नहीं सकती पार्किंग 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 मतलब संडे को ट्रैफिक बहुत ज्यादा होता है फिर हम लोग निकले मॉल की तरफ और सब लोग ना हमें बहुत ज्यादा देख रहे थे क्योंकि हम सबसे डिफरेंट लग रहे थे वहाँ बहुत सारे सब्सक्राइबर्स मिले उनके सामने फोटो कराई हम जारा में गए शॉपिंग करने के लिए मेरी चुन्नी पाल ने मॉल के बीच में सेट करी और ना जितने भी लोग थे ना जो हमें जानते भी नहीं थे ना वो भी हमें देख रहे थे इस कॉस्ट्यूम में फिर हम घर पहुंचे घर पहुंच के बहुत ज्यादा थक गए थे इस ब्लॉग को एंड करते बाय गाइस